मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं वॉच दिस एवरी डे एंड चेंज योर लाइफ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं कुछ तथ्यों के साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ कि अपना जीवन कैसे बदले। ऐसी दुनिया में जहाँ परिवर्तन निरंतर है और चुनौतियाँ अनिवार्य है, इन सिद्धांतों को समझना और उन्हें अपनाना हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकता है। प्राचीन दार्शनिकों के ज्ञान से लेकर आधुनिक विचारों के दृष्टिकोण तक हमने सिद्धांतों का एक संग्रह तैयार किया है जो गहन जीवन के सार को समाहित करता है। ये सात सिद्धांत केवल सैद्धांतिक अवधारणाएं नहीं है, ये कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि है। प्रत्येक व्यक्ति को एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है कि हम जीवन के चुनौतियों का सामना और व्यक्तिगत विकास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम हर सिद्धांत के माध्यम से सफर करते हैं, हम उन कहानियों को उदाहरण के साथ उजागर करेंगे जो इन मार्गदर्शक प्रकाशों को जीवन में लाते हैं और उनके वास्तविक दुनिया को प्रभाव को दर्शाते हैं। अब मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा सच के बारे में कुछ बताते हैं। बदलाव आप में होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपकी स्थिति में। जिंदगी एक सफर है, इसे खुद से संवारना ही सबसे बड़ा काम है। अगर आप सपना देख सकते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। कभी कभी जरूरी है कि हम खुद को हार मान लें ताकि जीत का स्वाद समझ सके। आपका भविष्य आपके विचारों से बनता है, इसलिए उन्हें सकारात्मक बनाएं। सच्चा बदलाव वह है जो हमें अंदर से होता है, बाहर से नहीं। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा उपहार है उन चुनौतियों में से गुजरना जो हमें मजबूत बनाती है। जीवन में सफलता का रहस्य है संघर्ष करना, असफलताओं से नहीं हार मानना। अपने मार्ग को खुद चुने, क्योंकि विचार आपकी दिशा को बदल सकते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कदम में संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मार्गदर्शक है। चलो जीवन बदलने के वाले सात सिद्धांतों का सफर शुरू करते हैं। नंबर वन, डू समथिंग एनीथिंग, कुछ करो कुछ भी। बहुत लोग अपना जीवन बदलने का प्रयास करते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें या क्या करें। इसका सरल उत्तर है वास्तव में कुछ भी करना। जैसे कि आपके पूरा जीवन में बदलाव, यह सिर्फ आपके भीतर किसी जादुई रहस्य की जगह से नहीं आता है। कार्य प्रेरणा और प्रभाव के कारण दोनों है। पहला कदम उठाना, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, परिवर्तन शुरू करना ही परिवर्तनकारी कार्य है। यह निष्क्रियता पर काबू पाने और गति की शक्ति को अपनाने के बारे में है। यह समझते हुए कि सबसे छोटी कार्य भी महत्वपूर्ण परिणाम दे सकती है। एक पॉडकास्ट शुरू करने का सपना देखने वाला हाल ही में स्नातक हुए एलेक्स ने अपने स्मार्टफोन उपयोग करके एक छोटा सा एपिसोड रिकॉर्ड करने का फैसला किया। इस छोटे से कार्य से एक समृद्ध पॉडकास्टिंग करियर का रास्ता प्रशस्त हुआ। चाइनीज फिलोसोफर लायो ताइजू कहते हैं कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। नंबर टू, रिकॉग्नाइज दैट एवरीथिंग यू डू हैज अ कॉस्ट, बी विलिंग टू पे इट। पहचाने कि आप जो कुछ भी करते हैं उसकी एक कीमत होती है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहें। जीवन में विकल्पों का एक श्रृंखला शामिल होती है, प्रत्येक की अपनी लागत होती है। इन लागतों को पहचानना और स्वीकार करना जीवन जीने का एक बुनियादी पहलू है। इसमें से यह समझना शामिल है कि प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, समय, प्रयास या बलिदान जैसे संसाधनों के निवेश की आवश्यकता होती है। एमिली, एक महत्वाकांक्षी मैराथन धावक ने स्वाभाविक बलिदानों को समझा। सुबह की दौड़, अनुशासित आहार के विकल्प और अन्य गतिविधियों से समय निकालना, मैराथन फिनिशिंग लाइन को पार करने की अपनी यात्रा में इन लागतों को स्वीकार कर उसने स्वेच्छा से कीमत चुकाई। एलन मेस कहते हैं कि आपको चुनना होगा कि क्या प्राथमिकता देनी है और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर थ्री, इम्ब्रेस द फैक्ट डैट नो वन गिव्स इट। इस तथ्य को स्वीकार करें कि किसी को किसी की परवाह नहीं है। निर्णय और बाहरी राय के डर से मुक्ति आत्म अभिव्यक्ति का सार है। इस एहसास को अपनाने से कि लोग अक्सर आपकी चिंताओं में व्यस्त रहते हैं, बाहरी व्यक्तियों की अनुचित निर्णय की चिंता बिना विश्वसनीय रूप से खुद को व्यक्त करने की आज़ादी मिलती है। जैक, एक महत्वाकांक्षी स्टैंड अप कॉमेडियन ने फैसले के डर पर विजय प्राप्त की और मंच संभाला। इस अनुभव के माध्यम से उन्होंने पाया कि दर्शकों को हर शब्द की जाँच करने की तुलना में हंसी और आनंद में अधिक रुचि थी। इसी सिलसिला में इलिनोर रोजवेल्ट कहते हैं, आप इस बारे में इतनी चिंता ना करें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये एहसास होता कि वो कितना कम सोचते हैं,
नंबर फोर, फोकस मोर ऑन हैबिट लेस ऑन गोल। स्थायी सफलता और दूर के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्थायी आदतों को विकसित करने में निहित है। इसमें दैनिक गतिविधि और कार्यों को नियंत्रण अभ्यास शामिल है। यह पहचानते हुए कि आदतों का सामूहिक प्रभाव परिवर्तनकारी परिणामों को संचालित करता है, सारा की वित्तीय स्थिरता की खोज सावधानीपूर्वक बजट बनाने, रणनीतिक निवेश और ईमानदारी से खर्च करना विकल्प जैसी दैनिक आदतों के विकास पर केंद्रित थी। समय के साथ इन आदतों ने उसे वित्तीय स्थिति परिदृश्य को बदल दिया। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि आप अपना जीवन तब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक आप अपने दैनिक कार्यों में बदलाव नहीं करते। आपकी सफलता का रहस्य आपकी दैनिक दिनचर्या में पाया जाता है। नंबर 5, पता लगाएं कि आप कौन हैं। आत्मखोज किसी के मूल्य, जुनून और उद्देश्य की गहन खोज है जो एक सार्थक जीवन की आधार बनाती है। इसमें किसी के सच्चे आत्मा को उजागर करने के लिए आत्मचिंतन और खोज की निरंतर यात्रा शामिल है। एग्जाम्पल, मिस्टर मार्क व्यक्तिगत संतुष्टि की कमी वाली नौकरी से होने वाली जलन से जूझ रहे थे। उन्होंने आत्मखोज की एक जानबूझकर यात्रा शुरू की। चिंतन और खोज के माध्यम से उन्होंने स्थायी जीवन जीने का जुनून को उजागर किया, जिससे उन्हें अपने मूल्यों के अनुरूप करियर का और मार्गदर्शन मिला। इस सिलसिले में अरिस्टोटल कहते हैं कि स्वयं को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। नंबर 6, फोकस ऑन फ्यूअर थिंग। कम चीज़ों पर ध्यान दें और वास्तव में वो अच्छा प्रदर्शन करें। अटूट समर्पण के साथ कुछ चुनिंदा गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना ही महारत हासिल करने का मार्ग है। इसमें ऊर्जा की विशिष्ट श्रेणी में प्रभावित करना, गहराई और विशेषताओं को पनपने से अनुमति देना शामिल है। यह सिद्धांत गहरा और स्थायी प्रभाव प्राप्त करने में फोकस की शक्ति की जोड़ देता है। जेसिका, एक प्रभावशाली फोटोग्राफर जो शुरू में विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही थी, उसने लैंडस्केप फोटोग्राफी में अपनी असली जुनून को पहचाना। इस कला को सिद्ध करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। जेसिका के विशेषता ने ध्यान आकर्षित किया, जिसे प्रदर्शनकारियों को बढ़ावा मिला। इसी सिलसिले में अरिस्टोटल ओनेसिस कहते हैं, सफलता का एक रहस्य वो जानना है कि और कोई नहीं जानता। नंबर 7, स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड। इतनी मेहनत करना बंद करो। टिकाऊ सफलता के लिए एक ताल संतुलन बनाना और अत्यधिक परिश्रम करने का इच्छा को कब छोड़ना है, इसकी पहचान करना आवश्यक होती है। यह समझना जरूरी है कि हर चुनौती के लिए अधिकतम प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, और कभी कभी अधिक हासिल करने के लिए कम प्रयास करना पड़ता है। जेम्स, एक महत्वाकांक्षी उद्यमी जो लगातार अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, उसने संतुलन के महत्व को सीखा। कार्य को टीम पर सौंप कर भरोसा करना, ब्रेक को शामिल करके उन्होंने उत्पादकता में वृद्धि और अधिक संतोषजनक कार्य को संतुलन हासिल किया। इसी सिलसिले में बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि मुसीबत की आस न करें, या जो भी नहीं होगा उसके बारे में चिंता न करें, सूरज की रोशनी में रहें। इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष, जैसा कि हम जीवन बदलने वाले 7 सिद्धांतों की इस खोज को समाप्त करते हैं, याद रखें कि केवल अवधारणा नहीं है बल्कि परिवर्तनकारी रास्ते हैं। साझा की गई प्रत्येक कहानी इस सिद्धांतों के भीतर क्षमता के लिए वसीतनामा के रूप में कार्य करती है। मैं आपको इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि इन चरणों को कैसे लागू किया जा सकता है अपने जीवन के लिए। यात्रा को अपनाएं, उन छोटे कदमों को उठाएं और देखें कि आपके जीवन कैसे बदलना शुरू होता है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक फिर प्रेरित रहे और फलते फूलते रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।